हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्राफ्ट। आज हम दुनागरी मंदिर जा रहे हैं जो कि देवभूमि उत्तराखंड के द्रहार क्षेत्र में है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जय माँ दुनागरी, चुके हैं पूरी फैमिली के साथ। मम्मी है, चाची है, भाई लोग हैं और भाभियाँ भी हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में आपको मंदिर का सारा सामान मिल जाएगा। अगर आप चाहें प्रसाद लेना तो यहाँ से ले सकते हैं, और जिन्होंने घंटियाँ चढ़ानी है मंदिर में वो घंटियाँ भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है, बच्चों के टॉयज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जब हम कोई भी मंदिर जाते हैं वहाँ पे हमें गणेश भगवान जी की मूर्ति अवश्य दिखाई देती है। ये दुनागरी मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। और ये हमारे घर के न्यूली मैरिड कपल हैं जिनके साथ हम दुनागरी मंदिर आए हैं। और भी अच्छा होगा, काफी अच्छा लग रहा है। शांति मिल रही है। लास्ट टाइम जब हम कोरोना में यहाँ आए थे, ये सारी की सारी घंटियों को साइड से बांधा हुआ था। देखिए ये जो घंटी है यहाँ पे, उसको इस तरीके से ऐसे करके बांधा हुआ था। यहाँ पे आपको वायर भी दिख रहा है, और कोरोना की वजह से ये घंटियों को बांधा था ताकि कोई इनको टच ना करे। इस बार ये सारी घंटियों को खोल दिया गया है और पूरा मंदिर घंटियों से गूंज रहा है। कब सालों बाद आ रहे तुम यार? अच्छा, ठीक है बाप। ये देखिए, ये गोलू भाई है, ये डमरू बजा रहे हैं। बोलो भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, जय कर दो। जैसे कि आप लोगों ने सुना, मम्मी और चाची भी यहाँ पे 30-35 साल बाद आ रहे हैं। यहाँ पे रहने के बावजूद भी वो लोग माता के दर्शन नहीं कर पाते। वो लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं खेतीबाड़ी में कि वो लोगों को घूमने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब घर में कोई गया है, कोई भाई लोग, हमारे भाई लोग जब घर गए हैं, तो ये लोग इन्हें घुमाने के लिए इधर उधर ले जाते हैं।
जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें, इसलिए विलंब की। कहा जाता है कि शिवजी और पार्वती भी इसी झूले में झूले थे। मान्यता है कि जो भी दुनगरी मंदिर आता है वह इस झूले में जरूर झूलता है। और सामने भैरव बाबा का मंदिर है, आप जब भी बुलगरी आए तो यहाँ भी अवश्य आए और भभूति लगा के जाए। अगर आप चाहें तो अपने घर के लिए भी थोड़ा सा भभूति लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे भंडारा भी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सफाई भी रखी हुई थी वहाँ पे। पूरी आलू की सब्जी और हलवा बना हुआ था यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।